नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप आज से पुणे में शुरू हो गया है। इस चैंपियनशिप में राज्य के हर जिले से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 2 जून से 4 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में नागपुर जिले से 15 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 लड़के और 7 लड़कियां हैं। नागपुर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों में चैतन्य दंडदे, श्लोक ढोले, श्रुतुश्री राशि, मृगाश्री जोड़, युगंधरा बावने, खुशी तलमले, सभा शेख, कुमुदिनी बिसेन, स्वीटी मेशराम, तनिषा प्रधान, भूमिका साहू, प्रद्युम बरापत्रे, सक्षम मोड़, श्लोक ठाकरे, पार्थ मीराशे का समावेश है। इन सभी खिलाड़ियों को दीपक बिसेन ने कोचिंग दी है। राज्य के साथ ही नागपुर शहर में भी कोरोना के धीरे धीरे बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि शहर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन गत 2 दिनों से लगातार जिले में 9-9 मरीज मिलने के बाद मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने लोगों से अपील की कि लक्षण दिखाई देते ही वे टेस्ट कराए। उन्होंने कहा कि कोरोना को पूरी तरह से मात देने तथा श्रृंखला खंडित करने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य के खतरे को टालने के लिए लोगों का भी सहयोग जरूरी है। मनपा के सभी सेंटर्स पर निशुल्क कोरोना की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं, उन्हें तुरंत डोज ले लेनी चाहिए। कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के बाद स्थिति सामान्य होते ही स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली थी। अब अचानक हर दूसरे दिन आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग फिर अलर्ट मोड में आ गया है। वर्तमान में शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित 36 सेंटर पर कोरोना की जाँच की जा रही है। प्रवासियों की सेवा में घोषवाक्य के साथ दौड़ने वाले एसटी महामंडल ने अमृत महोत्सव वर्ष में पदार्पण कर लिया, लेकिन इसी बीच महामंडल ने वरिष्ठ नागरिकों को निराश कर दिया। अब वरिष्ठ नागरिकों के प्रवास के लिए 4000 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है। राज्य मार्ग परिवहन महामंडल द्वारा 65 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रवास में 50% किराए में सहूलियत दी जाती है। इसके लिए नागरिकों को केवल पहचान पत्र दिखाना पड़ता था, लेकिन स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जा रही है। इस कार्ड को बनाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। 1 जुलाई से स्मार्ट कार्ड धारकों को प्रवास में रियायत दी जाएगी। साथ ही अब 4000 किलोमीटर की दूरी कर दी गई है, यानी इतनी दूरी पूरी होने के बाद सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रवास करने के लिए पूरा टिकट लेना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड का हर वर्ष नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। इससे पहले दूरी की मर्यादा तय नहीं थी। इस फैसले पर वरिष्ठ नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक नागपुर से पुणे, मुंबई, पंढरपुर व अन्य इस तरह 4 से 5 बार यात्रा करता है, तो 4000 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाएगी। देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर कहा कि हम इतिहास को बदल नहीं सकते। देश के मुसलमानों के पूर्वज दरअसल हिंदू ही थे। हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया था, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। इन दिनों ज्ञानवापी का मुद्दा सुर्खियों में है। इतिहास हमारे सामने है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। यह सब उस समय घटा, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा, जो जो स्थान हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ मुद्दे उठाए गए। हिंदू कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते। दरअसल हमारे देश के मुसलमानों के पूर्वज भी किसी समय हिंदू हुआ करते थे। हमारे मनोबल को गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया था, इसलिए कुछ हिंदू इन्हें पुनर्स्थापित करने के पक्ष में है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। यहां तक कि आदेशानुसार ओबीसी आंकड़ों के बिना ही राज्य भर की 14 महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिए गए। अब प्रभागों के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर वास्तविक चुनाव की तारीखों का ऐलान करना बाकी है। आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाने को अब 2 दिन ही गुजरे हैं कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव की ओर से आए निर्देशों के अनुसार ओबीसी का डेटा जमा करने में मनपा प्रशासन जुट गया है, जिससे जुलाई या फिर सितंबर में चुनाव की संभावना पर ग्रहण लगने के आसार है। गुरुवार को मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त द्वारा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 10 जोन के सहायक आयुक्त उपस्थित थे। सभी सहायक आयुक्तों को ओबीसी का डेटा जमा करने के निर्देश जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की स्वतंत्रता दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का राज्य चुनाव आयोग द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अब सर्वेक्षण कर स्थानीय निकाय में ओबीसी वर्ग का प्रतिशत निश्चित करने का मानस आयोग ने जताया है।
कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के नए फार्मूले पर अमल करते हुए कांग्रेस शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र मूलक ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी घोषणा शिरडी में शुरू प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर में महाराष्ट्र के प्रभारी एच के पाटिल व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने की। दोनों नेताओं के इस्तीफे की वजह से शहर सहित जिले में कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है। विकास ठाकरे पिछले 8 साल से कांग्रेस शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वही मूलक 2015 से जिलाध्यक्ष पद पर थे। वैसे दोनों नेताओं का कार्यकाल पूर्ण हो गया था। दोनों नेताओं के इस्तीफे के साथ ही समूची कार्यकारिणी समिति भी बर्खास्त हो गई है। नगर सेवक से महापौर और फिर विधायक पद तक पहुंचे ठाकरे की अगुवाई में कांग्रेस ने कई बड़े मोर्चों को अंजाम दिया था। कयास लगाया जा रहा था कि आगामी मनपा चुनाव ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ा जाना था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिए जाने से अब किसके कंधों पर नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। कांग्रेस में शहर अध्यक्ष पद के अनेक दावेदार हैं, लेकिन सही परीक्षा मनपा चुनाव में ही होगी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 67,000 रुपये का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में धर्मपेट, नेहरू नगर और गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। धर्मपेट जोन के अंतर्गत चिटनवी सेंटर सिविल लाइन्स में जरी सेल दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत सक्करदरा चौक स्थित पांडे किराना स्टोर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग जोन के अंतर्गत शारदा प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह धर्मपेट जोन के अंतर्गत मेहर प्रसाद कॉम्प्लेक्स सेंटर पॉइंट होटल के निकट एवं रामदासपेट स्थित हेडा डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के खिलाफ सामान्य कचरे के साथ मेडिकल कचरा मिलाने पर कार्रवाई की गई और 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने वाले हरियाणा के पीएमआई कंपनी को नागपुर महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने 145 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का कार्यादेश जारी किया है। इस हिसाब से कंपनी 15 अगस्त तक 15 बसें और बाकी बसें दिसंबर 2022 तक सप्लाई करेगी। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी की उपस्थिति में परिवहन प्रबंधक एवं उपायुक्त रविन्द्र भेलावे एवं कंपनी के उपाध्यक्ष संजय नागपाल ने कार्यादेश की प्रति पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर आयुक्त दीपक कुमार मीना भी उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका पर्यावरण अनुकूल बसों पर जोर दे रहा है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 2022-23 तक 104 करोड़ 92 लाख रुपए निधि से 233 बसें खरीदना प्रस्तावित है और 2021-22 तक प्राप्त 77 करोड़ 52 लाख रुपए निधि से 115 इलेक्ट्रिक बसें पहले चरण में खरीदी जाएगी। दूसरे चरण में प्राप्त धनराशि से लगभग 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का प्रस्ताव रखा गया है। पीएमआई कंपनी हरियाणा के उपाध्यक्ष संजय नागपाल ने कहा कि हरियाणा में 4 साल पहले 1500 बसों की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक बस निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। 500 करोड़ रुपए के निवेश से पुणे में बसों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। ज्ञानयोगी डॉक्टर श्रीकांत जिचकार की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को ज्ञानयोगी डॉक्टर श्रीकांत जिचकार पुस्तकालय जैताला में उनका अभिवादन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह में मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेंद्र जिचकार, पूर्व नगर सेवक प्रफुल्ल गुड़दे पाटिल, विद्यार्थीगण व शहरवासी उपस्थित थे। इस अवसर पर ज्ञानयोगी डॉक्टर श्रीकांत जिचकार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार की जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने पुस्तकालय के छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने छात्रों को पुस्तकालय में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के सिद्धांतों पर अग्रसर होते हुए आपको असफलता के डर को मन से बाहर निकालकर काम करते रहना होगा। कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आप जीवन में समृद्ध और सफल हो सकेंगे। इस आशय के विचार मनपा आयुक्त ने व्यक्त किए। शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर ने पुस्तकालय के बारे में जानकारी दी और प्रफुल्ल गुड़दे पाटिल व नरेंद्र जिचकार ने डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के जीवन और उनके शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा।
टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तक यह केंद्र कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 313 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक पूरे 10 जोन में 235 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून के दौरान यह केंद्र 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 31 शिकायतों में से 23, धर्मपेट जोन में 39 में से 23, हनुमाननगर जोन में 113 में से 104, धंतुली जोन में 35 में से 19 तथा नेहरू नगर जोन में 21 में से 16 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मनपा अधिकारियों ने इस सफलता पर संतोष जताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। रविवार 5 जून को सुबह 8:30 बजे मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी के हाथों भांडेवाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा दीवार के समीप सड़क के दोनों ओर दो पंक्तियों में पौधारोपण अभियान प्रारंभ करेंगे। बरसात के मौसम में भांडेवाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र को पेड़ लगाकर परिसर को हरा भरा किया जाएगा। नागपुर शहर के नागरिकों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घर पर पेड़ लगाने के लिए मुफ्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। मनपा के सभी जोन में अवैध रूप से पेड़ों को कील लगाकर और तारों से बांधकर विज्ञापन बोर्ड लगा दिए गए हैं। नतीजतन पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और शहर के ग्रीन कवर को नुकसान पहुँच रहा है। महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस से विशेष अभियान के तहत पेड़ों से होर्डिंग और किले हटाने के लिए महाराष्ट्र वनीकरण अधिनियम 1995 और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आशय के विचार मनपा उद्यान अधीक्षक अमोल चोर पगार ने व्यक्त किए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग हेतु 15 जून 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निशुल्क कोचिंग के अंतर्गत हर वर्ष 100 सीटें उपलब्ध होंगी, जिनमें से 33% पर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकेंगे। निशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली है या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हिंदी विश्वविद्यालय के संबंधित पोर्टल पर भरे जा सकते हैं तथा अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी और फोन नंबर पर संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने DRM कार्यालय स्थित गुंजन सभागृह में 67वां वार्षिक रेलवे सप्ताह मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे उपस्थित थी। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नागपुर मंडल के कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में एक राजपत्रित अधिकारी, 210 ग्रुप सी कर्मचारी और 34 ग्रुप डी कर्मचारी का समावेश था। कर्मचारियों को उसी उत्साह के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने और विभाग द्वारा दी गई सेवा को मान्यता देने के लिए संभाग स्तर पर कुल 14 शील्ड इस वर्ष से शुरू किए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल को रेलवे कर्मियों के प्रयासों के कारण समग्र दक्षता शील्ड प्राप्त हुई है। इसके अलावा नागपुर मंडल को परिचालन लेखा, सुरक्षा, कार्यक्षमता और दूसरा सबसे अच्छा उद्यान का महाप्रबंधक शील्ड भी प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मंडल की लदान में 32% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडल के राजस्व में 4,182.56 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है। लायंस क्लब नागपुर साउथ की वर्तमान अध्यक्षा लॉयन डॉक्टर अनुपमा गुप्ता द्वारा मनोनीत नामांकन समिति की चेयरपर्सन लॉयन उर्मिला अग्रवाल एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2022-23 के लिए लॉयंस क्लब नागपुर साउथ के नए अध्यक्ष पद की बागडोर क्लब की पहली उपाध्यक्ष लॉयन सुरेखा कुलकर्णी के हाथों सौंपी गई है। लॉयंस क्लब नागपुर साउथ की विशेष बोर्ड बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई।
अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए नामांकन समिति द्वारा सचिव पद पर लॉयन डॉक्टर मीनाक्षी माटे, कोषाध्यक्ष पद पर लॉयन हीना पारवानी ठक्कर एवं प्रथम उपाध्यक्ष पद पर लॉयन नटवरलाल खेमका का चयन किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुलकर्णी बने हैं, जबकि द्वितीय उपाध्यक्ष पद पर प्रणित सिंह का चयन किया गया। वही तृतीय उपाध्यक्ष पद पर आनंदी इंगले, सहसचिव पद पर सुनीता शर्मा, सह कोषाध्यक्ष पद पर वीरेंद्र द्विवेदी, पीआरओ पद पर सुनीता गुप्ता, जॉइंट पीआरओ पद पर महेंद्र सोनी को चुना गया है। नामांकन समिति के अन्य सदस्यों में डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, राजेश परमार, राजन गुप्ता एवं अरुण कुलकर्णी का समावेश है। लॉयंस क्लब नागपुर साउथ के आधार स्तंभ पूर्व प्रांतपाल विजय पालीवाल, पूर्वाध्यक्षा उर्मिला अग्रवाल एवं अन्य सभी पूर्वाध्यक्षों ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी है। कामठी विधानसभा के नेता व जिला परिषद नागपुर के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी नागपुर को रेलवे क्रॉसिंग रमानगर के पुल के रुके हुए कार्य को अविलंब शुरू कर जल्द से जल्द पूरा करने हेतु आंदोलन कर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर कृष्णा यादव, राजकुमार गिडम, काशीनाथ प्रधान, नीरज लोनारे, इरशाद शेख, आरिफ कुरेशी, धीरज यादव, सुरैया बानो, ममता कांबले, राजेश कांबले, सोहेल अंजुम, मोहम्मद राशिद अंसारी, सिराज भाटी, तौसीफ फैजी, मोहम्मद सलमान खान, इरफान अहमद, अफसर खान, आशीष मेश्राम, मनोज यादव, आकाश भोकरे, मंजू मेश्राम, ज्योति कारेमुरे, दिवाकर राव सौदागर, फरमान खान, अरशाद खान, तंजील खान, सोबी शेख, नमीर खान व सभी कांग्रेस युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,200 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,47,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। श्री राम भक्त हनुमान शनिदेव मंदिर सिंधी कॉलोनी खामला में शनि जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। सुबह धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच शनिदेव महाराज का अभिषेक हुआ। प्रमुख यजमान के रूप में समाजसेवी व कार्यक्रम संयोजक पंजू तुतवानी ने पूजा कर आराधना की। दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व पार्षद प्रकाश तुतवानी की उपस्थिति रही। भक्तों का तांता लगा रहा। रात को मंदिर परिसर में महाप्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने लंगर का लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान राजू गंगवानी, परमानंद आडवाणी, सीजर अन्ना, दिनेश रत्नानी, प्रीतम दास मंगतानी, योगेश समुद्रे, प्रकाश शर्मा, कन्हैया, राहुल तोतवानी, मनीष तोतवानी, आशु वरदानी, गगन वर्मा, जय आडवाणी, वंश थदानी, नरेश देववानी आदि की उपस्थिति रही। शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार महाराष्ट्र के चिटनीस विनोद कल्याणी के मार्गदर्शन में एवं ग्रामीण अध्यक्ष नरेश ठाकरे के नेतृत्व में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल रक्तदान सबसे महान दानों में से एक है। कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी में लोगों की मदद के लिए पार्टी की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इन रक्तदान शिविरों के सफल आयोजन में सोनाली कल्याणी, महिला जिला अध्यक्ष अश्विनी निबुलकर, वाड़ी अध्यक्ष पीयूष मेश्राम, दक्षिण नागपुर के यश मेश्राम, गौरी मंडपे आदि कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का योगदान रहा। महामेट्रो नागपुर के तहत कस्तूरचंद पार्क से खापरी तथा बरडी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर तक मेट्रो रेल सेवा संचालित की जा रही है। महामेट्रो के विविध स्टेशनों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महामेट्रो की ओर से पीपीपी तत्व तथा लीज पर जगह आवंटन करने हेतु निविदाएं जारी की जा चुकी है। इच्छुक व्यवसायी पसंदीदा स्टेशनों पर निविदाओं के माध्यम से जगह प्राप्त कर सकते हैं। महामेट्रो के रीच 1 बरडी से साउथ एयरपोर्ट स्टेशन तथा रीच 3 बरडी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन से लोकमान्य नगर तक पिल्लरों के बीच की जगह विज्ञापन बोर्ड हेतु आवंटित करने संबंधी भी निविदाएं जारी की गई है। इसी तरह मेट्रो स्टेशनों से लगे 5 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था के लिए 1 वर्ष अवधि के टेंडर जारी किए गए हैं। उज्ज्वल नगर मेट्रो स्टेशन के समीप व्यावसायिक उपयोग के लिए 5,532 वर्ग मीटर जगह सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी तत्व पर 60 वर्ष के लीज पर आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 3,000 वर्ग फुट से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिजनेस स्पेस 20 वर्ष के लीज पर आवंटित करने के लिए महामेट्रो की ओर से टेंडर जारी किए गए हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए 7 मेट्रो स्टेशनों पर जगह उपलब्ध है।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।